What's up guys, this is Sherif from Reaction TV 121. आज जिस गाने को हम deconstruct करने वाले हैं उसका नाम है शोर मचेगा और artist है none other than हनी सिंह। गाने का tempo है 103। ये गाना normal reggaeton genre में ही fall करता है लेकिन drums की जो coordination है बड़े unique तरीके के साथ use करी गई है और क्यों ना हो बनाया भी तो हनी सिंह ने। I know आप लोग live feedback और interaction और podcast बहुत miss कर रहे थे और उतना ही हम भी miss कर रहे थे कि हमें भी मौका मिलता आपके साथ 1-to-1 बात करने का। Well, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। आपके लिए हम एक अलग से चैनल लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन टीवी 1-to-1 लाइव, जिसके अंदर सब कुछ करा जाएगा, लाइव पॉडकास्ट, लाइव फीडबैक सेशंस, लाइव मिक्सिंग मास्टरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन एज वेल। इसका एक मेन रीजन ये भी था कि कॉपीराइट्स बहुत ज्यादा आने की वजह से हमारी चैनल की रीच गिर रही थी। ऑलरेडी आप लोगों को पता है डीकंस्ट्रक्शन वीडियोस पे भी कॉपीराइट आते हैं, तो अभी जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे मैंने लिंक भी दिया है। लेकिन भैया इस चैनल को भूलना नहीं है, इसको अभी के अभी तुरंत से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर। वेल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने रिदम सेक्शन के साथ जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं किक। इसी को लेयर करते हैं एक इंडियन पर्कशन के साथ और ऐड करते हैं एक हाई पर्कशन और लेयर करते हैं एक लिफाफे की साउंड से जो कि पोले साउंड है, प्लास्टिक बैग की साउंड है। और इसके साथ अब गाने के अंदर मूवमेंट देने के लिए हम लोग एक किक और कुछ पर्कशंस ऐड करेंगे। किक के साथ और सारी रिदम के साथ साथ ही में ऐड करते हैं कुछ स्नेयर्स। दो अलग अलग तरह की स्नेयर इसीलिए यूज करी गई है ताकि वेरिएशन सुन पाए, शायद नोटिस ना हो लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक और डफ टाइप पर्कशन है वो भी ऐड करते हैं। इंट्रो में यही रिदम कुछ सिंपल चलती है ऐसे। म्यूजिक सेक्शन में कुछ अटपटे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सायरन की साउंड आती है स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक गिटार की साउंड आती है जिसके ऊपर मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी है। तो पहले हम रॉ साउंड सुन लेते हैं। इसके ऊपर मैंने वेव्स का एक JJP गिटार प्लगइन है ये यूज किया है जिसके अंदर से मैं एक प्रीसेट ही यूज कर रहा हूँ मामा गिटार करके, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है, ये मेरी सेटिंग्स है इसके बिना। इसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर गिटार एम्प जो कि लॉजिक का स्टॉक एम्प है। इन दो प्लगइन से ही मेरी साउंड में फर्क आ जाता है। उसके बाद मैंने ऐड किया एक हल्का सा बिट क्रशर, एक EQ जिसके अंदर से मुझे हाईज बूस्ट करने थे और थोड़े से लो मिड्स काटने थे, एक सैंपल डिले डाला है जो कि हास इफेक्ट क्रिएट करता है। स्टीरियो साउंड बेसिकली कुछ नहीं होती है, स्टीरियो साउंड का मतलब है कि दो साउंड्स अलग अलग टाइम पे आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं। अगर एक सिंगल साउंड आती है तो हमें लगता है सेंटर है, और अगर दो साउंड्स एक थोड़ी सी आगे थोड़ी सी पीछे आती है तो हमें लगता है यार वाइड होगी साउंड। एक बार ही सुन लेते हैं और फिर देखते हैं। तो ये नॉर्मल साउंड है और ये ऑन करके जो कि मैंने लेफ्ट चैनल को 13.5 मिलीसेकंड डिले दिया है और राइट को 8 मिलीसेकंड, आप इसी से नोटिस कर पा रहे होंगे हमारी साउंड कितनी वाइड होगी। इसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर एक स्टीरियो डिले बहुत हल्का सा, और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आती है एक सायरन की साउंड। ये लॉजिक का अपना ही सैंपल था जिसको मैंने क्विक सैंपलर में डाल के सैंपल किया है, ये देखिए। इसके बाद आते हैं हमारे लीड सेक्शन में। अब मैं एक बात बताना चाहता था कि मैंने शायद अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है कि सेम साउंड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके आसपास की साउंड बनाना थोड़ा सा आई गेस अब आदत हो गई है। तो आइए देखते हैं मैंने ये साउंड बनाई कैसे है, एक साथ कैसा साउंड करता है। तो मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको 6 साउंड्स के साथ कोलैब किया। अब आप कहेंगे 6 साउंड्स का इसके अंदर यूज कैसे था, तो वो ऐसे है कि तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड करी एक लीड साउंड जो कि अपर हार्मोनिक्स में काम कर रही है, फिर इसको लेयर करते हैं एक मिड लीड के साथ, ये थोड़ी सी नेजल टच वाली साउंड देती है, और एक हाई लीड जो कि पतली साउंड है। अब ये तीनों एक साथ,
अगर हम पूरे मिडी को देखें तो इसके अंदर ये बेसिकली प्ले कर रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया, जो ये लो साउंड थी इनको एक अलग से ग्रुप बना दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आती है एक, फिर ऊपर वाली सेम साउंड को मैंने लेयर करके उसी के अंदर ये सेम नोट्स प्ले किए हैं, और एक एक्सीडेंटल मैजिक, ये भी ओमनीस्फेयर की साउंड है जो कि एक राउंड सी शेप की साउंड आती है। ये बेसिकली मुझे इसका ग्लाइड बहुत पसंद आया था तो मैंने यहाँ यूज किया। अगर अब हम तीनों को सुनते हैं और ऊपर वाली को साथ में, इफेक्ट सेक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक राइजर डाला हुआ है। आप सुन सकते हैं थोड़ा सा राइट को पैंड है। हनी पाजी की अच्छी सी चीख भी है इसके अंदर यार। अब पता नहीं भैया ये क्या देखकर भैया ने चीख मारी है, लेकिन गाना बहुत अच्छा बना। इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे पाजी के वोकल्स। यू यू हनी सिंगर। इसी के साथ सारी इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म होती है। ये सुनते हैं पूरा गाना एक साथ कैसा साउंड करता है। यू यू हनी सिंगर। मजेगा 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 मजेगा। बचे ना कोई मेरी नजरों से, न जाऊं गुलजार की गजलों पे, नाच के जाऊं घर सुबह तो निशा पैरों पे जख्मों के। बचे ना कोई मेरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी और डिकंस्ट्रक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। वेल थैंक यू, दिस इज चेरब / JCD प्रोडक्शन साइनिंग ऑफ।